तो दोस्तों फाइनली मैं राइड कर रहा हूँ जावा पावर 42 ब्लैक मिरर कलर एंड हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्लॉग गुरु, मैं जितेंद्र। दोस्तों आज जो है हम रिव्यू करने वाले हैं जावा बॉबर 42 ब्लैक मिरर कलर, जो कि राइडर्स को बहुत ही पसंद आ रहा है। इसको लेके बहुत सारे क्वेश्चन भी आ रहे थे कि इसका एक इन डेप्थ रिव्यू करिए। तो आज जो है डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं इसका कंप्लीटली, क्या क्या चेंजेस अपग्रेड किए हैं, जो इंजन में रिफाइनमेंट की है वो एक्चुअल में की गई है नहीं की गई है, बहुत सारी डिटेलिंग जो इस वीडियो में आने वाली है। तो मेक श्योर इस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए जानते हैं। तो दोस्तों इस बाइक की डिटेलिंग स्टार्ट करूं, उससे पहले अगर मैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो टाइम टाइम आ सके। दोस्तों एक्चुअल में ब्लैक मिरर कलर जो है जावा 42 बॉबर में बहुत ही सही लग रहा है। पहले जो है स्टार्टिंग टू एंड तक सारा डिटेल देता हूँ क्या क्या इस बाइक में आता है। पहले जो सबसे ज़्यादा चेंजेस आप देख रहे हैं वो है ये अलॉय व्हील, डायमंड कट अलॉय व्हील जो है दिए गए, जिसके साथ आप ट्यूबलेस टायर यूज़ करते हैं। 100 ब्रॉड टायर है, साथ ही साथ 18 इंच का व्हील दिया हुआ है। एंड आप डिस्क साइज देखते हैं, ये जो है 280 mm के आसपास का डिस्क है। ड्यूल चैनल एबीएस के साथ में आता है। ब्रेवरी का जो है ब्रेक दे रखा है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको दे रखा है। हेडलाइट जो आप देख रहे हैं ये टोटली LED हेडलाइट है, जावा 42 जो है उसकी बैजिंग के साथ में आप देख सकते हैं। इंडिकेटर्स जो है ये भी LED है, बहुत ही टाइनी जो है इंडिकेटर दे रखे हैं, बट अच्छे ब्राइट जो है वो वर्क करते हैं। एंड दोस्तों थोड़ा अगर आप इस तरफ आएँ तो हैंडल असेंबली आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है आपको हैजार्ड मिल जाता है। ये रहा सेल्फ स्टार्ट, ये किल स्विच है, एंड ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। मैं ऑन करके भी दिखाता हूँ आपको, फुली डिजिटल है। एंड इसमें अगर डिटेलिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो है ये स्पीड दिखा रहा है, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कितना किलोमीटर चल चुकी है बाइक। यहाँ फ्यूल इंडिकेटर दे रखा है, यहाँ पे जो है टाइमिंग आ रहा है, यहाँ पे गियर इंडिकेटर दे रखा है, यहाँ पे साइड स्टैंड जो है ये दिखा रखा है, यहाँ पर RPM दिखाता है, और बाकी सभी वार्निंग जो है आपको ऊपर साइड दिखाती है। एंड अगर इस साइड में आए तो यहाँ पर जो है आप जो फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेड क्लस्टर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से जो है ट्रिप सेट कर सकते हैं, यहाँ पर सेटिंग है, यहाँ पर टाइमिंग सेट करने का है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हाई बीम, लो बीम और ये पास, इस तरह से वर्क करता है। एंड यहाँ पर टर्न इंडिकेटर्स हैं, यहाँ हॉर्न दे रखा हुआ है, हॉर्न भी डिसेंट वर्क करता है। एंड ये एंड बार मिरर्स एक्चुअल में एडजस्टेबल है, ये आप साइड में भी कर सकते हैं और लो में भी कर सकते हैं, दोनों तरफ जगह पे किया जा सकता है इसको। एंड एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो है ये चार्जिंग पोर्ट, USB चार्जिंग पोर्ट भी है एंड सी टाइप चार्जिंग पोर्ट भी है, जो कि एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। हैंडल बार ऑलमोस्ट स्ट्रेट टाइप का है, थोड़ा वाइड हैंडल बार जो है वो दे रखा है। एंड अब आते हैं ये क्रोम टैंक पे, टैंक बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बॉबर के जो है स्टिकर जो है हमको देखने मिल रहे हैं, एंड जावा का स्टिकर भी यहीं पे लगा हुआ है, ये स्टिकर्स हैं। एंड बहुत ही अच्छा जो है टैंक लग रहा है। यहाँ पे साइड में आप टैंक ये पैड्स आप देख सकते हैं, जिसमें जावा की बैजिंग जो है की गई है। इंजन की अगर बात की जाए दोस्तों तो 334 cc का इंजन है, 29 PS का पावर प्रोड्यूस करता है, 32 Nm का टॉर्क जो है वो इसमें आपको मिल जाता है। 6-speed गियर लिक्विड कूल इंजन मिल रहा है आपको, रेडिएटर जो है वो सामने देखने मिल जाएगा, ये देखिए रेडिएटर, उसका कूलेंट का चैम्बर भी जो है नीचे आपको देखने मिल रहा होगा। एंड ये सम गार्ड के साथ में आता है, सम गार्ड इसके साथ में स्टॉक ही आपको मिलता है। एंड जावा ने जो है इंजन में एक्चुअल में चेंजेस किए हैं, रिफाइनमेंट किया है, अभी जस्ट मैंने इसको राइड भी किया है तो मेरे को टोटल रिस्पॉन्स जो है वो डिफरेंट फील हो रहा है, मैं राइडिंग एक्सपीरियंस में उसको कवर करूंगा। इसमें आपको डबल एग्जॉस्ट मिल जाते हैं, दोनों साइड में एग्जॉस्ट जो है वो देखने मिलते हैं। अगर साइड पैनल पर आएँ दोस्तों तो साइड पैनल पर भी बॉबर 42 का जो है वो स्टिकर देखने मिलता है। एंड आई थिंक ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक पार्ट जो है वो यूज़ किया गया, मेटल जो है वो टैंक है, टैंक मेटल है। एंड सीट जो है लेदर सीट जो है आपको देखने मिल जाती है, अच्छा जो है सीटिंग कंफर्ट जो आपको मिल जाता है। एंड बहुत ही अच्छी प्रीमियम जो है सीट है, इसको आप आगे और पीछे जो है एडजस्ट कर सकते हैं। इधर नीचे में एक बोल्ट आता है, यहाँ से यहाँ पर एक बोल्ट आता है, इससे आप जो है इसको आगे या पीछे कर सकते हैं, तो वो एडजस्टमेंट जो है हो सकती है। एंड फुटपैक की अगर बात की जाए दोस्तों, फुटपैक यहाँ पर सीटिंग कम्फर्ट है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लेग जो है आगे फ्रंट की तरफ रहते हैं, जिससे आपका कंफर्ट जो है सिटिंग पोस्चर बना रहता है। मेरी 5 height जो है 5'8" है, तो भी मैं इसको आराम से कंफर्टेबली जो है चला रहा था। एंड यस, ये सोलो राइडर्स के लिए है, सिंगल्स के लिए बनाई गई है दोस्तों। इसमें आप आफ्टर मार्केट जो है इसमें आप ड्यूल सीट कर सकते हैं, बट कंपनी द्वारा जो है इसको सिंगल सीट में ही जो है दिया जाता है। एंड बॉबर मैक्सिमम जो है आपको सिंगल सीट में ही देखने मिलेगी। एंड दोस्तों अगर रेयर में आए तो डायमंड कट अलॉय व्हील्स इसमें भी आपको मिल रहा है, साथ ही साथ 140 ब्रॉड टायर जो आपको मिल जाता है, एंड 17 inch का व्हील जो है इसके अंदर यूज़ किया गया, सेम ट्यूबलेस टायर जो है यूज़ किया गया इसके अंदर। एंड ये रहा डिस्क आप देख सकते हैं, एंड ये ब्रेवरी का जो है डिस्क ब्रेक इसके अंदर दिया जाता है। एंड अगर रेयर में जाया जाए तो आपको LED टेल लाइट्स मिल रही हैं, सेम LED इंडिकेटर्स भी आपको मिल रहे हैं। एंड डबल एग्जॉस्ट का लुक जो है
वो बहुत ही अच्छा जो है वो देखने में मिलता है। एंड एक्चुअल में ये बाइक थोड़ी प्रीमियम जो है लग भी रही है कंपेयर टू अगर पैराग से किया जाए तो इसमें बहुत ही अच्छा प्रीमियम टच जो है कंपनी ने दिया हुआ है। एंड की को ऑन करने के लिए जो है यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं एंड यहाँ से जो है हैंडल बार लॉक कर सकते हैं, तो वो रेट्रो टाइप के जो है इसमें जो है लॉक्स दिए गए हैं। लेट्स हियर द साउंड। चलिए जो दोस्तों अब इसको रोड पे टेस्ट करते हैं, एक्चुअल में देखते हैं सिटिंग कंफर्ट, एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग, कंट्रोलिंग ये सब कैसी है और इंजन की रिफाइनमेंट एक्चुअल में कैसा है वो जल्दी चेक करते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं राइड कर रहा हूँ जावा पावर 42 ब्लैक मिरर कलर। एंड राइडिंग अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो दोस्तों बहुत ही अच्छा हैंडल है एंड सिटिंग पोस्चर भी बहुत अच्छा है, कम्फर्टेबल है एंड इवन हैंडलिंग भी बाइक की बहुत ही अच्छी लग रही है एंड इवन एक्सेलरेशन टोटल रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आ रहा है। जावा ने जो इस पे एक्चुअल में वर्किंग की है इसके इंजन के रिफाइनमेंट को लेके वो अभी तक बहुत ही सही लग रही है, बट जो इससे पहले मैंने जावा राइड की है उससे एक्चुअल में मुझे डिफरेंस जो है इस बाइक में फील हो रहा है। थोड़ा टोटल रिस्पॉन्स देखते हैं एक्सेलरेशन कैसा आता है इस बाइक का, साथ ही साथ ब्रेकिंग कंट्रोलिंग भी जो है इस बाइक की बहुत अच्छी हुई है। लेट्स टेस्ट सस्पेंशन कैसा है। रेयर का सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ है, फ्रंट का सस्पेंशन मुझे बेटर लग रहा है, बट अगेन मुझे गियर रेशियोज इसके जो हैं थोड़े से मुझे कम लगते हैं। देखिए जैसे मैं अभी फोर्थ गियर पे हूँ मुझे दिखा रहा है एंड अभी ये गियर मांग रहा है, थोड़ा सा चलाने के बाद मुझे गियर मांग रहा है। अभी दोबारा चेंज करते हैं, 65 के आसपास में मैंने चेंज किया हुआ है एंड मैं फिफ्थ गियर में हूँ एंड अब अगेन मुझे लग रहा है गियर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, 78 के बाद अगर मैं गियर चेंज नहीं करूँगा तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन जो है फील हो रहा है, तो मैं दोबारा गियर चेंज करता हूँ। तो जो गियर रेशियो उसकी स्पीड जो है ना वो मुझे थोड़े से लगते हैं कि यार बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको गियर जो है बार बार चेंज करने पड़ते हैं। हालांकि ये 6 स्पीड गियर है एंड इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की अगर बात की जाए तो अच्छा विजिबल दिया हुआ है, बट लाइट सनलाइट की वजह से ना प्रॉपरली उतना विजिबल नहीं हो पाता, बट आई कैन इजिली सी द स्पीड, RPM, फ्यूल इंडिकेटर्स, टाइम, गियर इंडिकेटर्स, साइड स्टैंड का भी यहाँ पे वार्निंग आता है एंड बाकी वार्निंग जो है अप साइड में दे रखे हैं। एंड दोस्तों अगर आप बात करूँ मैं इसके सिटिंग कंफर्ट की, तो अगर आप फुटपैक देखेंगे थोड़ा फ्रंट की तरफ में तो उससे अगर मेरी हाइट 5.8 है एंड मैं आराम से जो है इसको चला पा रहा हूँ एंड कंफर्टेबली, एंड सीट जो है आप थोड़ी आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से एंड हैंड का पोजीशन भी बहुत ही सही है, हैंडल जो है स्ट्रेट, ऑलमोस्ट स्ट्रेट काइंड ऑफ हैंडल बार है, तो सिटिंग पोस्चर बहुत ही अच्छा बन रहा है, कम्फर्टेबल बन रहा है। एंड कंपेयर टू अदर जावा बाइक ना मुझे इसका सिटिंग कम्फर्ट जो है ज़्यादा बेटर लगा, बिकॉज बाकी में थोड़ा नी बैंड ये सब होता है एंड शॉर्ट हाइट की वजह से जो है उतनी कंफर्टेबल नहीं हो पाती, बट ये बाइक एक्चुअल में कंफर्टेबल फील हो रही है। तो दोस्तों अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस की अगर बात करूँ तो बहुत ही अच्छा राइडिंग एक्सपीरियंस रहा, एक्चुअल में रिफाइनमेंट इंजन में की गई है, हैंडलिंग कंट्रोलिंग बहुत सही है, बट ये सोलो राइडर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा सही है। अभी जब इसमें आफ्टर मार्केट जब सीट लगती है तो पिल राइडर के लिए है, वरना कंपनी द्वारा जो है ऑप्शन अभी तक जो है कंपनी ने नहीं दिया हुआ, बट बाइक बहुत ही अच्छी है अगर आप सोलो राइडर हैं, सिंगल हैं तो डेफिनेटली इस बाइक को कंसिडर कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो 2.25 लाख के आसपास में जो है ये एक्स शोरूम प्राइस में आपको मिल जाती है एंड ऑन रोड की प्राइस बाइक की बात की जाए तो गुजरात में है 270 के आसपास में, अगर आप एस सीरीज लेते हैं तो 280 के आसपास में भी जो है प्राइस आपको पड़ जाता है, 2.80 लाख के आसपास में प्राइस पड़ जाता है। एंड दोस्तों कैसा लगा आपको कलर जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा एंड फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन टोटली ओपन है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, यहाँ वीडियो कमेंट करते हैं। ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए वीडियो को, ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपके लिए आती रहेंगी। बाय।